हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के उन स्मार्टफोन के बारे में जिनको नए A40 अपडेट्स मिले हैं और साथ में लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट भी। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जो देखिएगा। उससे पहले मैं आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं हर रोज चैनल पर ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं पहले अपडेट के बारे में जो कि मिला सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 के लिए, जिसकी अपडेट की फाइल है यहाँ पे 599 MB के आसपास की और इसमें दिसंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिला है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 को भी यहाँ पे दिसंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल गया है, यानी लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल चुका है। तो जो भी यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 यूजर है, अपना फोन अपडेट कर लेना, जाकर सेटिंग में मैनुअली सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर अपडेट कर लेना, तो अपडेट कर लेना। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में जो कि मिला है सैमसंग गैलेक्सी M30s के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M30s के लिए यहाँ पे एक अपडेट मिला है, जिसकी अपडेट की फाइल है यहाँ पे 319 MB के आसपास की, यानी 319 MB के अपडेट की फाइल है और इसमें आपको नवंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल रहा है। ये तो काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट नहीं मिला है दिसंबर का, लेकिन काफ़ी अच्छी बात है कि नवंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिला तो सही। तो अपडेट कर लेना जो भी है सैमसंग गैलेक्सी M30s यूज़र हैं, तो अपडेट कर लेना है। यहाँ पे बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में जो कि मिला है सैमसंग गैलेक्सी J4 के लिए। यहाँ पे J4 को यहाँ पे एक अपडेट मिला है, जिसकी अपडेट की फाइल है यहाँ पे 449 MB के आसपास की, यानी 449 MB की अपडेट की फाइल है और इसमें आपको नवंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिला है, तो अपडेट कर लेना। और इसमें ज़्यादा कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं किया है सैमसंग गैलेक्सी J4 में, तो अपडेट कर लेना। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में जो कि मिला है सैमसंग गैलेक्सी M30 के लिए। यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M30s और सैमसंग गैलेक्सी M30 के लिए भी यहाँ पे एक अपडेट मिला है, जिसकी अपडेट की फाइल है 342 MB के आसपास की और यहाँ पे नवंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिला है और यहाँ पे कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं करा गया है। यहाँ पे कैमरे में एक इंप्रूवमेंट करा गया है, जो कि यहाँ पे AR डुअल कैमरा यहाँ पे फंक्शन ऐड किया गया है, AR डुअल कैमरा, जो कि कैमरे में कुछ फंक्शन यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M30 में ऐड करा गया है। तो जो भी यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M30 यूज़र है, अपना फ़ोन अपडेट कर लेना और हमें बताना कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट करा गया है कैमरे में, कमेंट करके बताना हमें। तो बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में जो कि मिला है सैमसंग गैलेक्सी J7 Max के लिए। यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी J7 Max के लिए कल ही एक अपडेट मिला था, जो कि मैं ऑलरेडी इस पर पहले से ही मैं कल इस पर वीडियो बनाया हूँ, तो उस वीडियो को जाकर देख लेना। उस वीडियो का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर देख लेना। सैमसंग गैलेक्सी J7 Max को एक अपडेट मिला है और इसमें दिसंबर से सिक्योरिटी पैच अपडेट मिला है, तो जाकर उस वीडियो को देख लेना। तो फ्रेंड्स बस वीडियो में यही थी हाल फिलहाल जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।